तो ग्रीटिंग्स पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए ग्लेजिंग से पोकेमॉन ग्लेज के गेम प्ले वॉक थ्रू के अंदर। और आज के एपिसोड में हम लोग जाने वाले जिम लीडर को चैलेंज करने के लिए। लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था द गार्डियन ऑफ द जिम, जिसका नाम था विल। उसके पास सारे थे लेजेंडरी पोकेमॉन, सारे नहीं कुछ कुछ थे, तो जरूर डेफिनेटली चेक करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लास्ट एपिसोड की लिंक। और उसके साथ साथ पूरा प्लेलिस्ट है, तो डेफिनेटली यार पूरा गेम का प्लेलिस्ट ये वॉक थ्रू वहाँ पे आपको दिख जाएगा। पसंद आ रहा है तो लाइक करना और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ साथ आज तक जितने भी मैंने पोकेमॉन गेम्स खेले हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल तो हम लोग सोरा के घर में घुस जाएंगे और इसके साथ बातचीत कर लेंगे। तो इसका सोरा एक्चुअली सिस है इसकी, तो लड़की है सोरा, मुझे लड़का लगा था लेकिन यहाँ पे लड़की निकली। और यहाँ पे एक पोकेमॉन है सोरा का, लेकिन हमारे पार्टी अभी फिलहाल फुल है तो फटाक से जाते हैं पोकेमॉन सेंटर के अंदर। लेकिन यहाँ पे है पोकेबॉल शॉपी, इसके अंदर भी थोड़ा सा चेक कर लेते कि यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पे हम लोग को मास्टर बॉल भी मिल सकता है, तो इसी के साथ आप सब्सक्राइब जरूर प्रेस कर देना क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे मास्टर बॉल बना सकते हो। यहाँ से आपको 50,000 पोके कॉइंस के अंदर आपको मास्टर बॉल का टॉप मिलेगा और 50,000 पोके कॉइंस के अंदर आपको मास्टर बॉल का बेस मिलेगा। दोनों को आपको एक साथ लाना है, उसके बाद आपके डेफिनेटली यहाँ पे मास्टर बॉल आ जाएगा। पहले मेरे पास 52 मास्टर बॉल्स थे, अभी मेरे पास 53 मास्टर बॉल्स है। एक्चुअली मैं दिखाना भूल गया, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए रहेंगे 1,00,000 पोके कॉइंस, उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हो। डेफिनेटली अभी विला 53 है, फिर से एक बार मैं बाय करने वाला हूँ। और मेरे पास एक टॉप था एक्स्ट्रा, और अभी यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से आपको ये बाकी के सारे पोकेबॉल्स दिख जाएंगे जिसको करके आप बाय कर सकते हो। और डेफिनेटली अभी हम लोग बैग के अंदर जाएंगे और चेक कर लेंगे। यहाँ पे मास्टर बॉल भाई 53 मास्टर बॉल है हमारे, मतलब बैग फुल है। तो उसके वजह से फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, बेस ले लिया मैंने, नो मोर रूम है। कितना जगह करना पड़ेगा एक्चुअली, कहाँ पर जगह करना पड़ेगा वो मेन चीज़ है। मुझे लगता है दूसरी जगह पे जगह करना पड़ेगा जहाँ से हम लोग बाकी के एक्स्ट्रा पोके आइटम्स को यूज़ करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे। यस डेफिनेटली ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा जगह करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब बटन अगर आपने प्रेस कर दिया, थैंक यू गाइस। और डेफिनेटली आज आपको दिखाई दूंगा मास्टर बॉल कैसे बनाते हैं, लेकिन बैक का थोड़ा सा ना झुलझल हो गया तो बैक को पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अभी टॉप कर ही देंगे और उसके बाद बेस कर ही देंगे, लेकिन फिर से एक बार हम लोग को एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा बेस को खरीदने के लिए। ठीक है, तो किसको निकाल सकते हैं इसमें से? वो बोले ट्रेस्टोन निकाल दिया, ऊपर एक वाटर स्टोन है शायद, थंडर स्टोन है ऊपर एक। यस थंडर स्टोन को निकाल देते हैं, नेवर मेल्ट आइस की जरूरत पड़ने वाली है, थंडर स्टोन को टॉस कर देंगे, बाद में बाई कर ही सकते हैं इसको कहाँ से भी। अभी फिलहाल बेस कर ही देंगे और ये दोनों जब एक साथ आ जाते हैं, अपने पहले देखे थे 53 मास्टर बॉल्स थे मेरे पास, अभी मेरे पास रहेंगे टोटल 54 मास्टर बॉल्स। यस डेफिनेटली यहाँ पे मास्टर बॉल का एक काउंट बढ़ चुका है। और इसी तरह से आप बना सकते हो मास्टर बॉल टॉप और मास्टर बॉल बेस को लेके एक पूरा का पूरा मास्टर बॉल। और पैसे कहाँ से आपको इसने अच्छे खासे पैसे कहाँ से लेने हैं, तो उसके बारे में मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बता के रखी हुई है, आपको ज़रूर उस एपिसोड को चेक कर लेना। चीट अभी तक मैंने खाली मास्टर बॉल की यूज़ की है, तो चीट चाहते हो तो डेफिनेटली आई बटन प्रेस करके देख ही सकते हो। अगर आई बटन पे नहीं दिया रहेगा, मैं भूल गया रहूँगा, तो डेफिनेटली लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में आपको एपिसोड मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग को एप्सॉल मिल चुका है जो है जिम लीडर का एप्सॉल। हम लोग ने लास्ट जिम का भी पोकेमॉन थोड़ा सा चोरी कर लिया था, उस टाइम पे थोड़ा गुस्सा था, इस टाइम पे देखने के लिए कि क्यूरियोसिटी लेवल हाई हो गई थी, तो इसके वजह से देख लिया। और एप्सॉल है, अच्छा खासा एप्सॉल दिख रहा है, उसके लेवल भी हम लोग को अच्छे खासे लग रहे हैं, उसके साथ साथ उसके पास अटैक भी अच्छे खासे। लेकिन एप्सॉल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फिलहाल हम लोग सजेस्टेड टीम को यूज कर रहे हैं। आपने जो सजेशन दिया हुआ था उस हिसाब से पोकेमॉन टीम को लेके घूम रहा हूं, उसमें से खाली मेरा एक ही सजेशन है फिलहाल के लिए, वो है कि सुपीरियर का, वो भी फटाक से अभी यहां पे मिला इस रीजन में। डेफिनेटली भूल गया ना आज के एपिसोड में बताने को, नए रीजन में हम लोग आ चुके हैं रैंक और रीजन के अंदर। कैसे आए तो जरूर चेक कर लेना उस एपिसोड को। और यहाँ पे है मैजिक आप, हम लोग को बोला था ये गोल्डन मैजिक आप है, इसमें कौन सा गोल्डन है पता नहीं, लेकिन ये गोल्डन नहीं था। हम लोग को फंसाया गया जैसे उस टाइम पे जेम्स को फंसाया गया था, वैसे सिमिलर चीज़ें हमारे साथ भी हुई है। अल्फा अजाइल को हम लोग प्रॉपरली एक बार देख लेंगे, और मैं आज सोच रहा था कि जिम लीडर को चैलेंज कर ही दूँ, उसे पता चल जाएगा उसके पास कौन कौन से हम लोग को डेफिनेटली पोकेमॉन्स दिखने वाले। लेकिन उसके पोकेबॉल तो हम लोग ने यहाँ पे चुरा लिए, यहाँ पे ट्विस्टेड स्पून हम लोग को मिलते हुए, और ये क्या है पता नहीं, यहाँ पे है यह अल्फा टेम्पल। तो अल्फा टेम्पल के अंदर जाके हम लोग को थोड़ा सा आरसीएस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और यस डेफिनेटली यहाँ पे आरसीएस के बारे में बहुत ही ज़्यादा फैन क्लब बड़ा पड़ा यार,
तो यहाँ पे गया है, यहाँ पे ये बंदा हम लोग से बैटल करना चाहता है। ये हमारा रैंकॉर्ड रीजन का राइवल है, इसका नाम है द टाइप, और इसके पास आपको मोस्ट प्रोबेबली सारे ईवी के इवोल्यूशन देखने मिलेंगे, और जिसको डिफीट करने में ज़्यादा कुछ ज़्यादा तकलीफ तो होता नहीं है, लेकिन ये काइंड ऑफ ना वो जो ऐश के साथ बैटल किया था जिसके पास 6 ईवी के इवोल्यूशन थे वैसे वाला बंदा है, ये सिमिलर उसके हिसाब से मुझे लगता है। लेकिन हम लोग फटाफट से डिफीट कर देंगे, हमारा समथिंग फाइनली जाकर 100 लेवल पर टच हो चुका है, जैसे बैट पर लाइक बटन प्रेस कर दो। और आज के एपिसोड का लाइक एम है 110 likes, डेफिनेटली आप टच कर पाओगे, आपके लिए तो बहुत ईजी है। और जिस हिसाब से फिलहाल सीरीज पे सपोर्ट दिखा रहे हो उससे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और डेफिनेटली आप सपोर्ट जरूर दिखाओगे। तो सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब भी प्रेस कर देना। आज इतना ज़्यादा क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ इसके लिए, इंसिस्ट कर रहा हूँ गाइस क्योंकि सीरीज़ इतने टाइम से बना रहा हूँ लेकिन इतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है सीरीज़ के ऊपर। तो आप ज़रूर सपोर्ट दिखा सकते हो, यहाँ पे हम लोग आइसबीम यूज़ करने वाले थे, इससे पहले भाई इस बंदे ने पैरालाइज कर दिया, उसके साथ साथ थंडर बोल फिर से एक बार पिन मिसाइल मार रहा है, लेकिन आइसबीम से हम लोग हरा सकते थे, लेकिन यहाँ पे है फुल रिस्टोर, अन्य आइसबीम की जरूरत पड़ने वाली है, होप सो अगर आइसबीम हो जाए तो। लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार पैरालाइजिंग का इफेक्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है, फुल रिस्टोर दे सकते हैं हम लोग हमारे पर्टिकुलर पोकेमॉन को जिसका नाम है लैपी, और पिन मिसाइल बहुत ही ज़्यादा यूज रहे, फिर से एक बार पैरालाइज ना हो जाए बस यार, फिर से एक बार पैरालाइज हो गया, लेकिन हम लोगों ने चोटियों को हरा दिया, इसी के साथ हम लोगों ने टाई को हरा दिया वो भी फुल बैटल के साथ। और यहाँ से जिम लीडर के रास्ते खुले हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल तो हीलिंग कर लेंगे फटाक से जाके हमारे पोकेमॉन्स को, और देखेंगे कि हम लोग को अल्फा टेंपल में क्या मिलने वाला है, क्योंकि शायद से यहाँ पे कुछ ऐसा मिस्टीरियस चीज़ भी हम लोग को देखने मिले। यहाँ पे सेक्टॉन है और सेक्टॉन के साथ हम लोग ने ऑलरेडी मिले हुए हैं, पिक्स ऑफ अल्फा इसको बोला जाता है, और शायद से यहाँ पे जाके हम लोग को सारी जो 3 आइलैंड्स के हम लोग ने सारी चीज़ें देखी थी यहाँ पे जाके फाइनलाइज हो सकती है। हम लोग को फिलहाल तो एंट्री नहीं है इसके अंदर, लेकिन अल्फा टेम्पल के अंदर ज़रूर है, यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं इन बंदों के साथ, और ये सारे बंदे आर्शिस के बारे में बातचीत करते रहेंगे, अल्फा आइलैंड्स के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते रहेंगे, और आर्शिस के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन हम लोग ने ले ली थी व्हाइटवुड टाउन के अंदर जहाँ पे हम लोग गए थे, जो 2 नोट के अंदर आपको मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन भी हुआ, तो आशीष तो हम लोग को ज़रूर फर्गीव कर लेगा, ये तो बात सही सी है, लेकिन फिर से एक बार हम लोग ने यहाँ पे पूछ लिया है तो यहाँ पे एक सेकंड आंसर दे देते, लेकिन कुछ भी ऐसा चीज़ हम लोग को देखने नहीं मिला जिससे करके हम लोग को कुछ पोके आइटम मिले या कुछ। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही आशीष के बारे में थोड़ा सा गॉड फॉर्म है, उसके वजह से यहाँ पे आपको थोड़ी सी श्रद्धा या फिर अंधश्रद्धा बोल सकते हो देखने मिल सकती है। यहाँ पे हम लोग अभी आ चुके हैं जिम लीडर को चैलेंज करने के लिए, जिसका नाम है 1 एंड ओनली सोरा, और सोरा एक लड़की है, लेकिन यहाँ पे ये बंदे हम लोग से बैटल नहीं करना चाहते ऐसे मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कम ऑन इन इसी के साथ हम लोग अंदर जा सकते हैं। और प्यादे बैटल नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे, इसके साथ भी बातचीत कर लेते शायद से रिंग फाइट हो सकती है, लेकिन ये भी जेन गार्डन के बारे में बातचीत हो रहा है, और मुझे लगता नहीं यहाँ पे प्यादे बैटल करने वाले, लेकिन हम लोग ने वो सीधा जाके हम लोग जिम को चैलेंज कर सकते हैं जो है सोरा, सोरा को सीधा चैलेंज करने का। ऐसे डिफिटेड व्हील एंड वेरी वेल आई शैल ग्रांट यू दिस बैटल, तो नीचे जो हम लोग जिम गार्डियन विल से फाइट किए थे वो एक्चुअली इस जिम लीडर के प्यादे थे, ठीक है। पहला पोकेमॉन तो हार भी गया, सेकंड पोकेमॉन है जिराची, उसको हम लोग अर्थविक से हरा देंगे। जिराची एक्चुअली अर्थविक से कैसे हार सकता है, लिमिटेड होता है तो, लेकिन चलेगा अपने को। यहाँ पे सर्फ अटैक यूज़ करेंगे डेलफॉक्स को हराने के लिए, जो ऑलमोस्ट 77 लेवल का, अगर मैं यहाँ पे समथिंग यूज़ करता तो डेफिनेटली वो हार जाता क्योंकि समथिंग के लेवल है 100, यस डेफिनेटली, तो बहुत हो गया ना डेफिनेटली। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी गैलेट को हराने के लिए सोच रहे विंग अटैक यूज़ कर लेते, क्योंकि गैलेट थोड़ा सा फाइटिंग टाइप, तो इफेक्ट बैठ गया उसको, और यहाँ पे स्लोकिंग है, स्लोकिंग को हराने के लिए पिका को सिलेक्ट कर लेंगे, एक चांस दे देते पिका को, हम लोग थंडर बोल यूज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ डैमेज हुआ नहीं। थंडर अटैक यूज़ कर लेते हैं या फिर वोल्ट अटैक से ज़्यादा डैमेज हुआ, लेकिन डैमेज भी उतना ज़्यादा बैठता है उसका। लेकिन ये बंदा फुल रिस्टोर पे उतर आया है और अनदर बोल टैकल दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे थंडर बोल कर दे, क्योंकि पिकाचू का सेक्रीफाइस नहीं चाहता मैं। स्नैप बढ़ गया है 64 लेवल पे जा रहा है धीरे करके, और बदल बढ़ेगा। ये गार्डिवर शाइनी है और हर एक इधर के रैंक और रीजन के जितने भी जिम लीडर हैं उनके पास आपको शाइनी पोकेमॉन देखने मिलेंगे। फाइनली जाके हम लोग ने गार्डिवर को हरा दिया और हम लोग ने सोरा को भी हरा दिया, और थोड़ी सी साइकिक लग रही थी बैटल के हिसाब से, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और आप लोगों को टिकट मिल चुकी है। और विच पंच एसएस रैंक और वी अलाउ यू टू द रीजन आइलैंड वेयर द जिम लीडर, इसका नाम कुछ बड़ा था, छोड़ दो बाद में पढ़ लेंगे, TM04 है काम माइंड, और जो ये हर बार यूज़ कर रही थी काम माइंड आपको वही करता है, राइज पोकेमॉन स्पेशल अटैक करने में हेल्प करता है, जिससे करके हम लोग पिकाचू को डेफिनेटली दे सकते हैं। लेकिन पिकाचू के पास मैं भी सोच रहा हूँ प्रोटीन और जिंक फिर से एक बार उसको खिलाओ, उसका डिफेंस बढ़ाना पड़ेगा अटैक से, तो अटैक भी बढ़ा ही देंगे। आई लिव द क्वेश्चन ऑफ इमेजिनेशन, और ये बाकी की सारी बातें हारने के बाद थोड़ा सा ये लोग ना पागल से हो जाते हैं, कुछ भी बातें करते रहते हैं। तो अभी हम लोग जा सकते हैं नेक्स्ट रैंकॉर्ड टिकट की तरफ, जो हम लोग को लेके जा सकती है रिगेन आइलैंड, और रिगेन अजाइल बोल सकते हो आपको, माकोइचो से बैटल करने के लिए, माकोइचो ही नाम था उसका अगर मैंने सही से पढ़ा हो तो। और ये हमारा हो सकता है फाइनल चैलेंज, क्योंकि हम लोग ने 3 बंदों को अभी हरा दिया,
और एक बंदा बाकी। लेकिन यहाँ पे पीयूष आते हुए व्हाट शुड बी डूइंग इज फाइंडिंग द हिडन रेजिना एंड रेजिना के पीछे अभी तक पड़े हैं ना, मुझे पता नहीं है रेजिना का क्या हुआ, लेकिन अर्शियस दैट रेजिना वॉज गोइंग टू कैप्चर अ फाइनल मेंबर ऑफ बर्ड ट्रियो। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकुनो पकड़ने आ सकती है और अल्फा ज़ाइल की तरफ आपको आर्टिकुनो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा ज़ाइल पे एक अनदर लेजेंडरी पोकेमॉन है, टर्न आउट टू बी अ पोकेबॉल शॉप, नॉकटेल फ्लाई अटैक। इसी के साथ भाई पीयूष ऐसे चला जाते हुए तो हम लोग को अभी जाना पड़ेगा कोलो अज़ाइल की तरफ। कोलो अज़ाइल में एक माउंटेन था जो उस टाइम पे ओपन नहीं था और अभी वो ओपन हो चुका है, तो मुझे लगता है उस माउंटेन के अंदर बिल्कुल आर्टिकुनो देखने मिल सकता है और आर्टिकुनो को कैप्चर कौन करेगा पता नहीं, तो वो चीज़ जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आज के एपिसोड में हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का लाइक हम है 110 लाइक्स का, डेफिनेटली आप कंप्लीट कर पाओगे मुझे पता है, और हम लोग जल्द से जल्द करके और ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे हमारे पर्टिकुलर चैनल की, और उसमें आपके हेल्प की ज़रूरत है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू वेरी मच गाइस, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ गाइस उस रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना, और आपकी सपोर्ट की सख्त सख्त जरूरत है अभी फिलहाल, तो यार प्लीज़ गाइस सपोर्ट कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पोकेमॉन ग्लेज। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायनारा।